नमस्कार, देश टीवी के खास कार्यक्रम खास बात में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बीच किसी शख्सियत लेकर आते हैं। आज उन्हीं शख्सियत में हैं सुरजीत सिंह जी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम बढ़ा चुके हैं, युवा हैं और बॉलीवुड में निर्माता बतौर उन्होंने पदार्पण किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारी टीम की ओर से सुरजीत सिंह जी को नमस्कार। शुरुआत जो करते हैं आपकी पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं कि पृष्ठभूमि आप किस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ हुई और आपके परिवार में किस तरह इसमें आए आप? तो मैं एक्चुअली बेसिकली यूपी से रहने वाला हूँ, यूपी अमेठी से रहने वाला, फेमस डिस्ट्रिक्ट है हमारी जो है, सब जानते हैं। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई सब कुछ वहीं किया जो है वहाँ पे, और हमारे यहाँ के सब पूरा बिजनेस जैसा माहौल था हमारे घर में जो है। मेरे भाई साहब हैं वो स्टिल फोटोग्राफर थे फिल्म लाइन में, तो हमारा एक छोटा स्टूडियो हुआ करता था वहाँ पे, तो मैं भी कभी कभी बैठता था, तो वहाँ बस कहीं ना कहीं धीरे धीरे कनेक्ट होने लगा फिल्म इंडस्ट्री से। आपकी पढ़ाई किस तरह से हुई, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, किस तरह से? क्योंकि घर में भी एक माहौल होता है कि बच्चा जब पढ़ता है तो उसकी नौकरी की आस रहती है, क्या था आपके परिवार? हमारे यहाँ कुछ इस तरह का नहीं था। मैं इसलिए जब पढ़ाई मेरी चल रही थी, मैं 8वीं क्लास में था, तो हमारा बताया ना आपको कि हमारा स्टूडियो था, तो मैं अक्सर जब स्कूल से निकलता था तो मैं वहाँ बैठ जाता था जाके। भाई साहब 2009 में वो शिफ्ट हो गए जो है, सॉरी 99 में, 2000 में वो शिफ्ट हो गए जो है मुंबई, तो स्टूडियो पे क्या कोई बंदा बैठता था, तो मैं भी टाइम देने लगा वहाँ से। फिर पढ़ाई चलती गई और जो है मैंने वहीं से पूरी पढ़ाई अपनी की। और फिर मतलब देखा जाए तो आपकी जो पृष्ठभूमि है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से और व्यापारिक जगत से ही जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए आपने व्यापार के क्षेत्र में फिर आपने अगला पड़ाव क्या किया? फिर उसके बाद मैंने, भाई साहब स्टिल फोटोग्राफर थे तो क्या फोटोग्राफी नॉलेज मुझे भी हो गया था, तो मैंने 2001 में एक फिल्म किया था एज ए स्टिल फोटोग्राफर। फिर उसके बाद फिल्म किया, थोड़ा सा ये हुआ फिल्म करने बाद कि लगा यार फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए जो है, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली का रुख किया, दिल्ली हम लोगों ने टेक्निकल डिपार्टमेंट में कई काम किए दूरदर्शन के जो है। फिर उसके बाद वहाँ से फिर ये हुआ कि मेन जो बेस है फिल्म इंडस्ट्री का वो मुंबई है, मुझे मुंबई करना चाहिए। तब तक मेरे बिजनेस जो है दिल्ली में एकदम सेटल हो चुके थे, मैंने सेट हो चुके थे बिजनेस, और हम दिल्ली में मिंडा वाटर का बिजनेस है जो है, और भी बिजनेस है जो सेट हो चुके थे। फिर हमने कहा कि मुंबई शिफ्ट है, मुंबई फिर हम शिफ्ट हो गए वहाँ से। तो जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली में आपकी बिजनेस शिफ्ट हो गया, तो कौन कौन से बिजनेस थे, किस तरह से उस बिजनेस को आपने आगे बढ़ाया? दिल्ली में हमने 2006 में मिन्ना वाटर प्लांट की शुरुआत किया जो है, वही एक बिजनेस था हमारा, जो हमारा एक बैकअप सपोर्ट था। और उसके बाद फिर वहाँ से बिजनेस को चलता गया, मुंबई शिफ्ट हो गया, मुंबई से दिल्ली चल रहा था। बाद में ये हुआ कि अभी मुंबई ही रह के हम कुछ और डेवलप करते हैं और चीज़ों को जो है। तो मतलब दिल्ली से जब आप मुंबई की तरफ आए, मतलब सीधे सीधे आपके दिमाग में यही था कि आपको बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में ही आपको आना है? हाँ, यही सोच के मैं मुंबई आया था कि मैं कुछ करूँगा। मैं एक्चुअली मैंने म्यूजिक कंपनी शुरू किया, तो कहीं ना कहीं से मैं टीसीएस से बड़ा प्रभावित था गुलशन कुमार जी से कि करते हैं काम, और मेरा लक साथ दिया कि मैं 2007 में पहला एल्बम जो है जनवरी में मैंने रिलीज किया, भोजपुरी का, होली का। उसके बाद फिर कंटिन्यू बनता गया, और 2013 पहुँचते हमारे पास 2500 म्यूजिक एल्बम्स के कलेक्शन हो गए डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज में। अच्छा, उसमें मेनली कौन से लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप जैसे आप बॉलीवुड में मुंबई में हैं तो महाराष्ट्र मराठी होगा, और कौन कौन से? देखिए मैंने कन्नड़ भी किया है, मराठी भी किया है, हम लोगों ने हिंदी किया है, बस सबसे ज़्यादा हमारे पास कलेक्शन भोजपुरी का रहा है। अच्छा। सबसे ज़्यादा भोजपुरी का रहा है। क्या लगता है कि लोग अधिकतर जो बॉलीवुड से जो टच है भोजपुरी का बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ा हुआ है, क्यों, कारण क्या है? भोजपुरी कैसा है, एक इस समय रीजनल में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बिजनेस का, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बिजनेस का, और सब्सक्राइबर भी उसके ज़्यादा है, लोग भी देखने वाले ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि कई कंट्री अदर कंट्री में भी है, या फिल्में चलती हैं भोजपुरी जो है।
अदर लैंग्वेज कैसा है कि वो चार छः स्टेट में ही है, मगर भोजपुरी की सीमा है रेखा जो बहुत लंबी है, उसके देखने वाले और सुनने वाले बहुत हैं। ऐसा लगता है जैसे भोजपुरी जो है बेसिकली उनके जो दर्शक हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं, इस कारण उसका ज़्यादा पकड़ है। हाँ, ये भी है, पूरे देश में हर जगह हर स्टेट में आपको भोजपुरी सुनने और भोजपुरी वाले लोग मिल जाएंगे, आपको हर डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। दूसरा कैसा है ना कि भोजपुरी का दायरा ना ऐसा बढ़ गया है कि फिजी, आप मॉरिशस, अदर ऐसी कई कंट्रियां हैं, करीब 6-7 कंट्रियां हैं और जहाँ पे भोजपुरी को लाइक करते हैं, वहाँ भोजपुरी को देखते हैं लोग। तो जैसे कि आप छत्तीसगढ़ की हम जैसे बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी भोजपुरी को लेके बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को देखने की इच्छा होती है, है ना? तो उसमें आपने कभी उसमें फिल्म बनाने की कोशिश की भोजपुरी में? नहीं, एक्चुअली कैसा, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है हमेशा हिंदी वाला, जो मेरे सर्कल में जितने भी डायरेक्टर या राइटर या आर्टिस्ट रहे सब हिंदी वाले रहे, तो कभी हमने उस तरफ ध्यान दिया नहीं, जो कि हम खुद बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, पर कभी ध्यान नहीं दिया हमने उस पर, क्योंकि एक होता है ना कि आप जिस माहौल में रहते हैं आप उसी माहौल के बारे में सोचते हैं, तो इसकी वजह से कभी मैंने भोजपुरी पर ध्यान नहीं दिया मैंने करने के लिए। तो 2007 में जब आपने एक म्यूजिक एंटरटेनमेंट एक कंपनी लॉन्च किए थे, तो अब तक आप जैसे बता रहे हैं 2500 उसमें गाने, और इसमें तो उनके जो, क्योंकि एक दौर था जो एल्बम का बहुत अच्छा एक दौर हुआ करता था, अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो उसमें कभी ऐसा लगा कि उसके लिए दिक्कतें आ रही हों या? अरे, 2007 में जब हम लोगों ने कंपनी शुरू किया था तब सीडी चलती थी, सीडीज चलते थे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 यूट्यूब आ गया, तो क्या है ना, बिजनेस भी कम हुआ और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे मैन्युफैक्चर बंद कर दिया। 2013 में मेरी लास्ट फिल्म थी मेरी कंपनी जिसका म्यूजिक राइट्स लिया था, हॉर्न किलिंग, उत्तम सिंह का म्यूजिक था और उस वो फिल्म हमारी कंपनी की लास्ट फिल्म थी। उसके बाद हम लोगों ने म्यूजिक कंपनी को बंद कर दिया, क्योंकि यूट्यूब हम लोग को समझ में आता नहीं था, क्योंकि वो नया था कि हम उस पर वीडियोस लोड करें फिर देखें। तो क्योंकि अब हमने बिजनेस सीडी से किया ना, तो उसका बेनिफिट अलग था, उसके डिस्ट्रीब्यूशन अलग थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे पास पूरे इंडिया में 300 डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो अब यूट्यूब पे डिस्ट्रीब्यूटर कोई मतलब ही नहीं था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने उसको बंद ही कर दिया। फिर मेकिंग के क्षेत्र में हम लोग आ गए कि अब फिल्में करेंगे। तो मतलब जो इसका मतलब यही है कि जब अर्निंग कम होने लगी तब आपने दूसरा फिर एक पड़ाव अपना दूसरा शुरू किया। जी हाँ, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि मैं हमारा शुरू से मैं बिजनेस लाइन से ही आया, तो बिजनेस के हिसाब से आया, और क्योंकि कोई और तो शौक था नहीं, तो मैं गीत लिखता था ना, म्यूजिक डायरेक्टर था ना सिंगर था, सिर्फ बिजनेस हिसाब से आया। तो हमें लगा कि 2013 में कि अब जो है हमें कोई और लाइन चूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी म्यूजिक एल्बम्स के जो है टाइम ख़त्म हो गया है, तो इसलिए हम लोग सीधा मेकिंग तरफ बढ़ गए। दूरदर्शन में भी आपने टेलीफिल्म बनाए हैं, तो उसका क्या रिस्पांस रहा है? अच्छा रहा, हमने 2010 में किया था टेलीफिल्म सुनैना, एक अनोखी प्रेम कहानी, आई डोनेट के ऊपर थी। अच्छा। मैंने उस फिल्म का मेन मोटो था मेरा कि लोगों को प्रेरित करें आई डोनेट के लिए, और बहुत अच्छा रिस्पांस आया मुझे उस टेलीफिल्म का जो है, लोगों ने बहुत सराहा उसको। तो उसमें कास्टिंग अगर कैसा था? उसमें कास्टिंग कुछ मराठी आर्टिस्ट थे और कुछ मुंबई के थिएटर आर्टिस्ट थे, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस था उनका उस फिल्म को लेके। उसके बाद कभी और टेलीफिल्म बनाने की नहीं? उसके बाद फिर टेलीफिल्म उसके बाद हम लोगों ने किया नहीं, फिर ये हुआ कि अब कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बॉलीवुड के लिए कुछ बनाते हैं। तो बॉलीवुड में आपने कब कदम रखा उसमें? बॉलीवुड में हम लोगों ने 2013 में एक फिल्म हमने शुरू की, इश्क सूफियाना, सूफियाना शुरू किया हम लोगों ने। उस फिल्म को हमने गाने रिकॉर्ड किए, हमने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया, हमने एसराज में गाने रिकॉर्ड किए, एसराज स्टूडियो में बड़े सिंगरों ने गाया उसमें जो है, और अच्छा रहा मेकिंग हुई फिल्म को, मगर रिस्पांस नहीं आया। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि रिलीज़ करने के बाद में वो रिस्पांस नहीं आया जो हमें चाहिए था। अच्छा, तो क्या कारण क्या लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं हो पाना? एक्चुअली कैसा रहा, वो हमारी पहली फिल्म थी और हमें भी उतना नॉलेज नहीं था कि किस तरह क्या करना चाहिए। होता है जब फर्स्ट बार आप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इसकी वजह से अभी उसमें कुछ इस तरह आई कठिनाइयाँ आई जो है। तो उसमें कास्टिंग वगैरह क्या? कास्टिंग उसमें मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, पंजाब के फेमस सिंगर हैं राज जुझार, उन्होंने पंजाबी दो फिल्में की हुई है, उनको एज ए लीड एज ए उनको लिया मैंने, उनको बॉलीवुड में एक एंट्री दी, वो एज ए एक्टर एज ए प्लेबैक सिंगर दोनों उनको मैंने दिया।
और उसमें हीरोइन में आसाम की है पिंकी अर्जुन, जिन्होंने इसके पहले भी काफ़ी वहाँ पे आसाम में काम किया है, म्यूजिक एल्बम्स में और वहाँ की फिल्मों में भी, उनको हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बॉलीवुड में ब्रेक दिया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार ब्रेक देने के कारण हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स में ध्यान नहीं दिए हों, कई चीज़ें थी, मेकिंग तो हमारी अच्छी थी, कई और चीज़ें थी जिसको हम लोग समझ नहीं पाए, पर उस फिल्म के बाद हमें ये समझ में आया कि फिल्म अब कैसी बनानी है, ऐसी फिल्म बनानी है जो कुछ डिफरेंट हो, इसलिए फिर हम लोगों ने पूरा अभी दूसरी फिल्म हमने बनाई द जर्नलिस्ट पत्रकारों के ऊपर। फिर क्योंकि उस समय अभी जब हमने 2016 में हमने फिल्म शुरुआत की तो उस समय बड़ा मैटर चल रहा था, पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो हमने बोला थीम उठाते हैं वहाँ से, तो हम थीम उठाई जो है, फिर ये हुआ कि पत्रकार को डायरेक्ट हम टारगेट करते हैं तो होगा नहीं, एक कहीं से किसी को लेना पड़ेगा कि पत्रकारिता को किस लेवल पे ले गया, तो हमारे दिमाग में आया तरुण तेजपाल, क्योंकि तरुण तेजपाल ने स्टिंग ऑपरेशन से मीडिया को चेंज किया था, बहुत कुछ किया था उन्होंने, फिर तरुण तेजपाल को फोकस रख के हमने मीडिया को, कि मीडिया की ताकत क्या है, मीडिया की ताकत क्या है, वो हमने दिखाया। तो अभी ये रिलीज़ हो चुकी हैं या नहीं? ये फिल्म पत्रकारों के ऊपर जो द जर्नलिस्ट है, इसको हमने अभी रोक के रखा है, क्योंकि टैक्स फ्री का मैटर चल रहा है जो है, और हम चाहते हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट से हमने प्रोमो भेजे हुए हैं, सिर्फ हम चाहते हैं टैक्स फ्री करें, क्योंकि पत्रकारों की फिल्म है तो पत्रकारों के लिए इतना तो गवर्नमेंट करे, बाकी फैसिलिटीज़ तो नहीं दे रही है, कम से कम ये तो दे कि उनके लिए कोई खड़ा हुआ है तो उनकी फिल्म को लिए टैक्स तो फ्री करें। तो अगला फिर उसके बाद, जैसे अब तो एक ये होने वाला है ना, कगार पे लगा हुआ है, उसके बाद आपके सीरियल के तरफ भी आपने अपने आप को मोड़ा है? जी, अभी एक्चुअली रिसेंटली करीब एक महीना पहले मैंने जी टीवी के लिए एक शो बागबान अपनों का मैंने अभी शूट किया जो है, अभी उस एडिट होके चैनल को गया है, अभी चैनल आगे जो फीडबैक देता है हमें फिर टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा हमारा। तो क्या लगता है आपके जो बनने के बाद, निर्माण होने के बाद, उसमें क्या फीडबैक क्या मिल पाएगा? फीडबैक क्या है ना कि सीरियल तो हमने अपने स्तर से बहुत अच्छा शूट किया है, अब डिपेंड होता है कि चैनल हमें टेलीकास्ट डेट कब दे रहा है, क्योंकि चैनल अब प्राइवेट चैनलों की कहानी अलग है, वो अपने हिसाब से ही सब करते हैं, तो अब हम लोग हमने बना के दे दिया, अब उनका आउटपुट आता है कब आता है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, कब उनका आउटपुट आता है वो देखना। तो उसमें भी एक देखा जाता है जैसे प्रायोजक और सह प्रायोजक है, उनसे कारण कभी लेट होता है या किस तरह से? नहीं देखिए, सीरियल भी कई कंडीशन पे बनते हैं, जैसे कमीशन बेस से बनते हैं, स्पॉन्सर बेस बनते हैं, हम लोगों ने कमीशन बेस पे बनाया है तो हमें उस तरह कोई मतलब नहीं है, हमें चैनल से मतलब है, अगर हमने चैनल को दे दिया, चैनल ने एग्री कर लिया कि आपको हम टेलीकास्ट कर रहे हैं, आपका सीरियल अच्छा है, तो फिर हमें चैनल से मतलब रहेगा, चैनल से पेमेंट लेना, उसके लिए हमें ना तो स्पॉन्सर ढूंढने की ज़रूरत है ना कुछ ढूंढने की ज़रूरत है। अब तक जैसे सफ़र जैसे आपका शुरू से लेकर अब तक रहा, उसमें भी कई ऊंच नीच रहे होंगे? बहुत रहे जो है, उतार चढ़ाव इतने रहे कि कभी भी ऐसा लगता था कि जो है हमारी पहली फिल्म के बाद इतनी रुकावटें आई, दो दो इस सूफियाँ जब किया, दो दो डायरेक्टर्स चेंज हुए जो है, कि नहीं समझ में आ रहे थे मुझे, फिल्म शुरू करने में दो डायरेक्टर हटाया, मीडिया में कई बार नाम गया उनका, हटाना पड़ा, मेरे लिए बड़ी मतलब बहुत ही प्रॉब्लम आई, वह धीरे धीरे क्या हुआ कि करते गए जो है, और लास्ट मोमेंट में हमने बड़ी मुश्किलों से पहली फिल्म बनाई, उसके बाद फिर दोबारा जो दूसरी फिल्म हमने शुरू की द जर्नलिस्ट, तो बड़ी आसानी से बन गई, फिर वो सब क्योंकि तब तक मुझे नॉलेज भी हो गया कि मेकिंग किस तरह करनी है। दूसरी बात ये था कि जैसे आप ये लगातार जब आप काम करते रहें उसमें बहुत सी चीज़ें आप सीखे भी, तो कभी ऐसा लगा कि कैमरा फेस खुद करें तो? नहीं, उस तरफ तो कभी झुकाव रहा ही नहीं मेरा, कैमरे की तरफ कभी झुकाव ही नहीं रहा जो है, कि शुरू से ना कोई इस तरह की नहीं रहा कि ना मुझे कभी सिंगर बनने का सोचा मैंने, ना राइटर बनने का सोचा, और ना कभी मैंने डायरेक्शन की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, ये था कि सिर्फ एज ए प्रोड्यूसर जो मेकिंग करें वही हमारे लिए अच्छा है। कुल मिला के पैसे की जो अर्निंग आना चाहिए उसकी तरफ सबसे ज़्यादा जी। तो अब छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर सुरजीत सिंह जी से छत्तीसगढ़ पर आधारित कुछ बातें करेंगे।